और गाइज यहाँ से फिर शाम को हम लोग नागुआ के पीछे से निकलते हैं एंड एज प्रोमिस्ड हेरिटेज वॉक पे चलते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू हेरिटेज वॉक वे ऑफ देव। देख सकते हैं ये नीचे डोर एंट्री गेट है एंड व्यू दिखाता हूँ गाइज आपको यहाँ से। वो सामने सर्किट हाउस है, यहाँ से अब वो एंट्री है, यहाँ से आगे चलते हैं। चलो तो ये नीचे हमारी गड्डी। भाई इतने कौए हैं यहाँ, इतने कौए, कौओं के खेत बना रखे हैं ऐसा लग रहा है, कौए ही कौए हैं भाई। 100-150 मीटर जैसा वॉक करके आया मैं वहाँ पे। वो कपल को प्राइवेसी दे देंगे। मैन सही है यार, ये नाइडा केव्स के नीचे वाला पार्ट है। सामने यहाँ से इस साइड से नाइडा केव्स कनेक्ट होती है अंदर, देख सकते हैं वो भी आपको दिख रहा है। नाइडा केव्स के अंदर वाला ही पार्ट है, उस साइड बाहर निकलता है। क्या खाया है भाई तुम्हें, क्या ले गया ये? ओके, बादाम का पेड़, ये लाल वाली जो बादाम आती है कच्ची। यहाँ इस साइड और भी है ब्रो, वो सीधा वहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है क्या? ये खत्म ही नहीं हो रही भाई, ये वहां पे जाएगी फिर वहां पे जाएगी। भाई बस स्टॉप पे पहुंच जाऊंगा मैं ऐसे, मैं ना जा रहा। ये देखो बादाम का पेड़। गाइस देखिए मैं कहाँ पे आया हूँ, ये है जलंधर बीच जो है सर्किट हाउस के पास में। एंड गेस्ट मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हर बार आता हूँ और मैं एक ही चीज़ करता हूँ और वो है ये, इसे कहते हैं गाइस गोमती चक्र। ये जो अंगूठी में वगैरह में डाल के पहनते हैं ना भाई, मुझे ऐसे तो पहनने का शौक़ नहीं है बट मुझे कलेक्ट करने का शौक़ है, शेल्स वगैरह में ज़्यादा कलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ देखो, और जिसकी हॉबी है ना शेल्स वगैरह जैसे कलेक्ट करना, उनके लिए ये जगह देखो बताता हूँ। इतने सारे शेल्स है भाई यहाँ पे, इतने सारे शेल्स हैं, बस कलेक्ट करते जाओ, जिसे शौक है बस कलेक्ट करते जाओ। शेल्स के साथ कचरा भी है यहाँ बहुत सारा, ये देखो ये भी शेल्स ही शेल्स है, इतने सारे शेल्स गाइस। ये वाला पैच तो मैंने ढूंढ लिया, इस साइड देख, वो देखो 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 मिल गया एक और। हाँ देखो गाइस ऐसे ढूंढना पड़ता है। गुड मॉर्निंग पीपल, और आज है हमारा day 4 और हम आज जा रहे हैं नागुआ बीच की तरफ, वहां पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह करने। तो कल हम जस्ट देख रहे थे कि वहाँ पे क्या क्या है, तो उस पर एक अपना पैराग्लाइडिंग वगैरह था, बैनाना राइड था, फिर एक सर्फ बोर्ड वाला देखा था जो वहाँ पे मेंशन नहीं था, और एक और वो कौन सा था जो राउंड एक रोटेटिंग वाला था, सर्कस वाला समथिंग बोल रहा था, स्पीड बोट नहीं नहीं वो एक था, एक और मतलब काफ़ी राइड्स थी गई थी। तो कुछ वहाँ पे लिखी हुई थी, कुछ नहीं लिखी हुई थी, कुछ सीधा काउंटर पे जाके पूछना पड़ेगा। तो आज हम चलते हैं नागुआ पे एंड आज हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करेंगे, तो सी यू देन, बाय बाय। वैसे हम लोग आ गए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर पे एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये विजय सागर वाटर स्पोर्ट्स करके है, हम यहाँ पे आए हैं और आइए इनके पास देखते हैं क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज़ है, क्या रेट्स वगैरह रहेंगे और मतलब कैसे हम कर सकते हैं। हम लोग अर्ली मॉर्निंग आए तो देखिए वहाँ पे इतना ज़्यादा रश वगैरह नहीं है और करने में भी मज़ा वगैरह आएगा, तो आइए इनसे पूछते हैं।
भैया आपके ये इंडिविजुअल रेट्स और हमें मतलब ऑडियंस को बताएंगे कि कंबाइन पैकेज लेंगे तो कितने में पड़ेगा और इंडिविजुअल लेंगे तो कितने में पड़ेगा? सर आप इंडिविजुअल करते हो तो लास्ट आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। ओके, अगर पैकेज में आप ले तो 40% डिस्काउंट मिल जाता है। सारी एक्टिविटीज आती है, 7 राइड आती है, मात्र 1700 रुपये आती है। 7 राइड्स देख रहे हो, 7 राइड्स मात्र 1700 में। ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये इनका इनमें से कौन सी आएगी भैया पैकेज में? ये वोटर्स की आएगा, जेट्स की आएगा, बनाना आएगा, पैरासिलिंग आएगा, डिस्को राइड आएगा, कपल रिंग आएगा, स्पीड बोट आएगा और एटीवी बाइक आएगा। सात राइड तो ये 7 राइड है मात्र 1700 में। ये देखिए इसका तो आप देख ही सकते हो, अकेले तो इसका ही 1000 है, ठीक है। और डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा अगर आप बल्क में आ रहे हो, ज़्यादा बंदे आ रहे हो, 2-3 बंदे आ रहे हो तो आपको करके भी दे देंगे शायद से, ठीक है ना भैया? कर दोगे ना? हाँ जी सर बिल्कुल पक्का कर देंगे। देखो चलो हम भी करते हैं अभी आगे और ले चलते हैं। सारी वाटर एक्टिविटीज करके आए, पूरा पैकेज खत्म करके आए भाई। बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं पर मजा आया। एक बार आओ, घर के जाओ यार, यही तो है भाई करने के लिए यहाँ पे, और क्या है। चलो मस्त, देखो सारी एक्टिविटीज और यहाँ पे सारे लगे हुए हैं, देखो दिखाएंगे आपको। और इनका हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इनके जो बोट्स वगैरह थे वो अच्छी थी एंड लाइफ जैकेट फ्रेश वाले थे, तो हम इनके पास आए। भैया थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और हमारे यहाँ पे जो दर्शक है, जो हम देख रहे हैं हमारे वीडियो, उनको भी मैं आपके पास भेजूंगा, हो सके तो थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। मैं नीचे उनको एक कोड मेंशन कर दूंगा, वो आपको बता देंगे। थैंक यू थैंक यू, आपको मजा आया? बहुत बहुत मजा आया, थैंक यू। बाय गाइस, चलते हैं खाने, बहुत भूख लगी है यार। चलो टाटा।